वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल शालिनीज मिराकी और मैं हूँ शालिनी। होप गाइज आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक इतना अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सॉर्टेड करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ईजी करने वाला है। बिकॉज ये मेरा ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। अगर मॉनसून के सीजन में आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा फ्रिजी अगर है ना, बिल्कुल घोंसला बन गए हैं ना, तो उनको मैनेजेबल करने के लिए ना ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ और मेरे हेयर्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और मुझे डीप कंडीशनिंग की जरूरत होती है ना, तो मैं इस प्रोडक्ट को फटाफट से यूज करती हूँ और ये तुरंत रिजल्ट देता है। सो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मामा अर्थ के प्रोडक्ट की। ये यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास दो दो डब्बे हैं। एक्चुअली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा खास बात इसकी क्या है ना गाइस, कि ये पैराबिन और सल्फेट फ्री है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरियंट है, एक है मेरे पास अनियन हेयर मास्क और एक है मेरे पास आर्गन हेयर मास्क। एक्चुअली मामा अर्थ की जो हेयर केयर रेंज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इन दोनों को मंगाए हुए और तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ ये आर्गन वाला, बिकॉज मेरे हेयर्स ना थोड़े से लाइक वेवी और फ्रीजी नेचर के हैं, तो आर्गन वाला जो है ना, अगर आपके ड्राई डैमेज्ड हेयर हैं, अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एकदम डीप कंडीशनिंग करता है आपकी हेयर्स को। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसमें ये अनियन हेयर मास्क बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मुझे जब भी लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो होम रेमेडीज तो करती हूँ, बट अगर अचानक से या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे कुछ करना है ना, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है गाइस। तो ये दोनों प्रोडक्ट की मैं आपसे बात कर रही थी, ये डर्मैट टेस्टेड है और सबसे खास बात इसकी क्या है ना गाइस, कि ये ना प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ये लोग ना प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। कितना अच्छा है ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, सीरियसली दैट्स वाई ये ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे और इसके थॉट्स कितने अच्छे हैं ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी इतना पॉजिटिव सोचता है। तो अब फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और मैं किस तरीके से अप्लाई करती हूँ। सो फटाफट गाइस, आज मैं जो यूज करने वाली हूँ ना, वो करने वाली हूँ आर्गन हेयर मास्क, क्योंकि ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैं किस तरीके से लगाती हूँ ना, कि मैं एक स्प्रे बॉटल में पहले पानी लेती हूँ और अपने हेयर पे अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका हेयर थोड़ा सा वेट हो जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट आप इस पे अप्लाई करते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पेनिट्रेट भी करता है। तो इसका जो थिकनेस है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी थिक है, वॉटरी नहीं है, सेमी वॉटरी भी नहीं है, काफी थिक है। तो अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा वाटर भी मिला के लगा सकते हो, बट मैं इस तरीके से लगाती हूँ। आपको इसे अपने पूरे हेयर्स पे लगाना है, आपको अपने स्कैल्प पे भी इसे लगाना है, क्योंकि ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्कैल्प ट्रीटमेंट भी करता है। तो आपको अपने पूरे हेयर्स पे, खास करके अपने एंड्स पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ड्राई होता है, सबसे ज्यादा वहां पे ना स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे तरीके से मैं पूरे अपने हेयर पे इसको अप्लाई कर लूंगी एंड उसके बाद हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प में मसाज दूंगी। इससे बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग फील होता है और एकदम स्पा वाली जो फीलिंग आती है ना, वो आती है, और इसका आफ्टर रिजल्ट भी बिल्कुल स्पा ट्रीटमेंट वाला ही है। गाइस ये आपके बालों को ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देता है और बहुत ज्यादा शाइनी भी बनाता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये रिटेल करता है 599 का फॉर द 200 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कि सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसकी थिकनेस काफी अच्छी है। तो आप इसे परचेस कर सकते हो और मैंने इसे बाय वन गेट वन में लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा डील आ गया था। और अभी भी मामा अर्थ की वेबसाइट पे ना बाय वन गेट वन चल रहा है गाइस, तो आप जरूर चेकआउट करना। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने हेयर्स को ना स्टीम दूंगी। स्टीम के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे एक हीटिंग कैप, ये मैंने रिसेंटली ही मीशो से लिया है और ये काफी अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे एक ऐसे इसका स्विच बोर्ड टाइप काइंड ऑफ दिया है, इसमें लाइट जलती है, मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है, लाइट जलने लगी और धीरे धीरे करके ना ये हीट करने लगता है। इसमें हीटिंग का भी दो मोड है, तो इसको मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक रखूंगी। आप चाहो तो ना जो गर्म पानी में टॉवल को निचोड़ के और उसको भी रैप कर सकते हो, वो भी आपको सेम रिजल्ट देता है, बट ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है।
15 मिनट बाद हम इसे निकाल देंगे और ये बहुत अच्छे से स्टीमिंग कर देता है आपके हेयर्स में। और स्टीमिंग का एक फायदा है ना कि वो आपकी जो भी आपने मास्क लगाया है बहुत अच्छी तरीके से आपके स्कैल्प में ना पेनिट्रेट होता है, जिसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद 15 मिनट तक आपको और इस मास्क को रखना है एंड उसके बाद आपको किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। आप कंडीशनर नहीं भी यूज करोगे तो भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और प्रोडक्ट को लेने के लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना, वहां पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप इसे ममार्ट की वेबसाइट से भी ले सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, तो नायका पे, पर्पल पे तो मिलना ही मिलना है। सो गाइज मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।